दोस्तों, आज हम मखाने के बारे में जानने वाले हैं। मखाने के फायदे, उपयोग करने का सही तरीका, कौन सी बीमारी में कैसे खाना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मखाने की तासीर की बात की जाए तो ये तासीर में ठंडी होती है, लेकिन मखाना ऐसी चीज है जिसे 12 महीने खाया जा सकता है। मखाना दोस्तों पौष्टिक तत्वों का खजाना होता है। अगर आप सही तरीके से मखाने का सेवन करेंगे तो सैकड़ों बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में मखाना को शक्ति वर्धक बताया गया है। अगर कोई इंसान कमजोरी फील कर रहा हो, ताकत में कमी हो, थकान आलस लगी रहती हो, अंदरूनी कमजोरी क्यों ना हो, उसमें मखाना कमाल का काम करता है। लेकिन इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यह पुरुष व महिलाओं के यौन रोगों में बहुत फायदेमंद होता है। रिसर्च में यह बात सामने आया है कि मखाने के सेवन करने से यौन रोग, गुप्त रोग दूर हो जाते हैं। मखाने को डाइट में शामिल करने से वीर्यपात व शीघ्र पतन जैसे यौन रोगों में सुधार आता है और यौन क्षमता, ताकत बढ़ जाती है। यह उत्तेजना को बढ़ाने का काम करता है। इच्छा को बढ़ाने के साथ साथ स्पर्म काउंट को बढ़ाने में भी यह मदद करता है। यह महिलाओं में भी यौन विकारों से मुक्ति दिलाकर बांझपन को भी खत्म करने में मदद करता है। ये इतना पावरफुल है दोस्तों, इसे डाइट में शामिल जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मखाना एंटी एजिंग का भी काम करता है। मखाने में मौजूद फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर सोर्स होते हैं। यह मुक्त कणों से लड़ते हैं और उम्र के असर को धीमा कर देते हैं। ये आपके स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। मखाने त्वचा को पोषित कर फाइन लाइंस, रिंकल्स से छुटकारा दिलाते हैं। डेली रूटीन में मखाना खाने से चेहरे की झुर्रियां और सफेद बालों की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप अपने स्किन की सुंदरता को बनाए रखना चाहते हैं, हमेशा यंग दिखना चाहते हैं, अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हैं, तो मखाने को जरूर डाइट में शामिल कीजिएगा। अगले फायदे की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर में भी यह बहुत अच्छा होता है। मखाने में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। हाई और लो बीपी वालों के लिए मखाना किसी दवाई की तरह है। ये सोडियम पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। जो इंसान हाई बीपी, लो बीपी या फिर जिन लोगों का स्ट्रेस वाला काम है, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, उनके लिए मखाने का सेवन काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इनमें पोटेशियम अच्छी क्वांटिटी में होती है, जो कि इन सभी समस्याओं को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा मखाना अनिद्रा को दूर करने में भी काफ़ी अच्छा होता है। यह नींद से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनका एक बहुत ही पावरफुल इलाज है। स्ट्रेस को दूर कर शांतिपूर्वक वह गहरी नींद लाने में हेल्प करता है। इसके अंदर घबराहट और बेचैनी को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, मखाना एक नेचुरल फूड है जो अनिद्रा की प्रॉब्लम को दूर करता है। मखाना खाने से आपके नर्वों को आराम मिलता है और बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। आपको पूरे शरीर को हेल्दी बनाए रखता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा है डायबिटीज में, यानी कि मधुमेह की बीमारी में। मखाना डायबिटीज के पेशेंट के लिए एक उत्तम नाश्ता है। यह उनके लिए पौष्टिक तो है ही, साथ ही यह उनमें ब्लड शुगर के स्तर को भी कंट्रोल करता है। देखिए, शुगर पेशेंट वालों को बहुत सारी चीज़ें खाने की मनाही होती है। इस वजह से शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। शुगर की वजह से और भी बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए शरीर को हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए और शुगर को हमेशा कंट्रोल रखने के लिए मखाने को डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। शुगर पेशेंट दिन में 2 से 3 मुट्ठी मखाना कभी भी खा सकते हैं। इसके अलावा मखाना कब्ज से भी छुटकारा दिलाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं। इस वजह से कब्ज की समस्या को दूर करने में ये हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई भी इंसान कब्ज से परेशान है तो उनको जब भी थोड़ी सी भूख लगे, वे लोग 1 से 2 मुट्ठी मखाना चबा चबा कर यूं ही खा सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि कब्ज से आपको छुटकारा मिलेगा और पेट की समस्याएं भी आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। मखाना यही नहीं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये माँ और शिशु दोनों को हेल्दी रखता है। प्रेगनेंसी के बाद शरीर में आने वाली कमजोरी को भगाने का एक अच्छा उपाय है। मखाने में मौजूद पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा माना जाता है दोस्तों, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होने का ज्यादा खतरा है। तो जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें खाना चाहिए और डिलीवरी के बाद भी इसका सेवन करना चाहिए। इसके सेवन करने से शरीर में ताकत आती है। मैं वीडियो के आखिरी में 2 से 3 तरीके बताऊंगा मखाना खाने का, उन तरीकों से आप इसका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा मखाना वजन घटाने में, मोटापा कम करने में बहुत अच्छा होता है। यह शरीर में से फैट की मात्रा को कम करता है और वेट को बैलेंस में रखने में हेल्प करता है। लेकिन मखाना खाने का तरीका इसका अलग होगा। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं और जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, दोनों तरह के लोग मखाने का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग अलग होगा।
इसके अलावा मखाना हड्डियों को मजबूत करता है। जिनको अर्थराइटिस, गठिया या फिर हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या रहती हो, वे लोग मखाने का सेवन जरूर करें। चलिए तो हमने जान लिया मखाने के फायदे, अब इसे खाना कैसे है? इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उनके लिए बताता हूँ जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं, वे लोग क्या करें, मखाने को ड्राई रोस्ट कर लें, इसे भून लें और साथ में करी पत्ता जो होता है ना, इसे भी डालकर भून लें। भूनने के बाद इसमें काली मिर्च, काला नमक डाल दीजिए और जब भी आपको एक्स्ट्रा खाने की इच्छा हो, भूख लगे, जैसे 4 से 5 बजे के आसपास भूख लगती है या फिर कभी भी दिन में आपको कुछ खाने का मन हो, तो आप 1 से 2 मुट्ठी मखाना लीजिए और ऐसे ही चबा चबा कर खा लीजिए। इससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा और अननेसेसरी फैट कंज्यूम करने से भी आप बच जाएंगे। ये तो हो गया दोस्तों जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा और भी तरीके हैं मखाना खाने के। आप मखाने को थोड़े से घी में भून लीजिए। भूनने के बाद इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लीजिए। अब जिनको भी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या या फिर शरीर में बहुत ही कमजोरी है, वीरबल बढ़ाना चाहते हैं, अंदरूनी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, तो वे लोग क्या करेंगे, 1 गिलास दूध गर्म कर लीजिए। दूध के अंदर आप चाहें तो 1 अखरोट या फिर आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। इसके अलावा आपको मखाने के पाउडर को 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड करना है। मिठास के लिए मिश्री मिलाना है और घोलकर रात को सोने से पहले पी लेना है। इस तरह से रेगुलर लेने से हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द या शरीर में अंदरूनी कमजोरी है, वीरियबल की कमी है, आप उम्र से ज़्यादा दिखते हैं, तो ये सभी समस्याओं में आपको फायदा करता है। इसके अलावा मखाने का सेवन करने का एक और तरीका है, आप 1 गिलास दूध के अंदर 1 मुट्ठी मखाना डाल दीजिए, साथ में आप 2 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और दूध को उबाल लीजिए। उबालने के बाद मिठास के लिए इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं और इस तरह से मखाने की खीर बनाकर आप खा सकते हैं। खासकर ठंड के मौसम में इस तरह से आप ले सकते हैं। इस तरह से सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं, वे लोग मलाई निकालकर दूध का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो मलाई वाला दूध का इस्तेमाल करेंगे तो वजन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जिनका मोटापा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जो लोग कम करना चाहते हैं, वे लोग लो फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करें। तो यह दोस्तों मखाना खाने के बेहतरीन फायदे। इसके नुकसान की बात की जाए तो इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल है। लेकिन हाँ, ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें, फायदेमंद है, लेकिन कोई भी फायदे वाली चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में इंटेक करते हो, ज़्यादा खा लेते हो, तो उससे नुकसान भी होता है। तो रोजाना आप 2 से 3 मुट्ठी तक मखाना खा सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। मखाने को रेगुलर डाइट में शामिल कीजिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, घर पर सभी सदस्यों को बनाकर किसी भी तरीके से मखाने का सेवन जरूर कीजिए और कराइए और स्वस्थ रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।